सभी लोग और कहा फिल्मी दुनिया वालों ने के दूर है मंजिल दूर सही करा के तो देखो। लेकिन मैं क्या कह रही हूं, क्या बेटा क्या? अच्छा दोबारा तो सुख है एक चाओ डलती आती है जाती है दुख तो अपना साथी है तो राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है ये दुख तो दुर्योधन चला आ रहा था और जब देखा धरती समझ करके वो पानी में जब गिर पड़ा द्रौपदी को देख करके हंसी आ गई। अभी सीखो पे पांव रखे क्या है? बस दादा बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, हाँ सुबह हो जाए। बस द्रौपदी को देख करके हंसी आ गई। द्रौपदी कहने लगी, क्या कहने लगी? अरे यश को पा अंधे हो गए, yeah.
करके अंधे हो गए। समय बदलते ना देर लगी, समय जब बदला तो क्या हुआ, क्या हुआ? द्रौपदी कहने लगी, स्वार्थ ने अंधा बना दिया। ऐसा लग रहा है कि अंधे के हाथ बटेर लगी। तो विधि का अंधा कानून नहीं, अरे विधि का अंधा कानून नहीं। तो उन्होंने कहा क्या, हमारे दादा राम स्वरूप दादा आपकी तरफ से 11 मुद्राएं आई हैं और साथ में 2 बिस्किट भी आए हैं, कुल मिला के 11 हो गए। तो द्रौपदी कहने लगी कि विधि का अंधा कानून नहीं। द्रौपदी ने कहा, अरे सही कहावत है जो जानकी जी, अंधे होते हैं। सही कहावत है जो मन के गंदे होते हैं वो अकल के अंधे होते हैं। और क्या, और जब दुर्योधन पानी में गिर पड़ा, द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी ने कहा कि काली करतूतों के काले धंधे होते हैं, अरे काली करतूतों के काले धंधे होते हैं, अंधों के अंधे होते हैं। सही कहा, किसी ने अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। तो काली करतूतों के काले धंधे होते हैं, अंधों के अंधे होते हैं। भैया कह रहे हैं मुझे, अभी राखी जी ने कहा कि मुझे कुछ कहना नहीं है जानकी रमन जी, और कह दिया वाह भाई जानकी वाह। पूरा मंडल आजकल सोले फिल्म बहुत देख रहा है। राखी जी हम ऐसी उम्मीद आपसे नहीं करते हैं, बिल्कुल मतलब ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि जो रायबरेली में हुआ है अभी में 8-9 दिन पहले जो कार्यक्रम, ऐसा ना हो तो अच्छा है। हमें ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, तो आपने बात का बतंगड़ बनाया। अभी फिर आप कह रही हैं कि किरण कुरुपति राइटर नहीं है तो वो फिर किसकी शिष्या है। अभी 4 पिछले महीने में 4 तारीख को मेरा कार्यक्रम दादा राजकमल कुरुपे जी से जीत था और यही गीत मैंने उनसे भी गाया, पैसे वाला गाना। अच्छा उन्होंने कुछ नहीं कहा, गाना उनका नहीं है, इस बात को मानिए। और क्या, ना मानो तो कोई बात नहीं, हम मनाएंगे नहीं आपको, ना मानिए तो जानिए। तो अब आपको विश्वास नहीं तो दादा राजकमल जी का नंबर आपके पास होगा, मिला के भैया उमेश भैया पूछिए कि ये गाना मैंने गाया कि नहीं गाया अभी 4 तारीख को। बिल्कुल मोबाइल की वैलिडिटी हो गई खत्म। जियो वाला चलाओ, मोबाइल का रिचार्ज। कह रहे किताब के दर्शन करवाना, तमाम लोगों ने इस प्रसंग को सुना है मंत्र वाला। और क्या, बड़ा भी है, इतनी आसानी से आपको किताब दिखा देंगे। हम लोग पैसा लगा के किताब लेके आते हैं, दे दे तुमको वो भी ना मिले। ज्यादा नहीं कहना है क्योंकि ये तीसरा मेरा कार्यक्रम है, 2 साल कार्यक्रम, ये कोई टोका टिप्पणी नहीं दादा माता दीन विश्वकर्मा जी से, दादा बाबा बाबूलाल राजपूत जी से, कोई तर्क कुतर्क हुआ ही नहीं, केवल सवाल जवाब जवाब सवाल। आज पहला कार्यक्रम इस मंच पे दे रहा हूँ जो इतनी वक्तव्य हो रही है। बिल्कुल हम लोग बोलते कम है आपका।
इतने आरोप आप लगा रही हैं, मुझे कुछ कहना नहीं इस बारे में। इतने ज्ञानी, एक बात आपने कही है कि अगर सीता अग्नि से प्रकट हुई तो फिर जो हल से निकली वो सीता कौन है? बाप को जब कुछ कथानक की जानकारी तो कहे तर्क विदा करती है। हर युग में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। लिखा है कल तो भेद हर चरित सुहाए, तुलसीदास ने भी इस बात को लिख दिया है। बात की पुष्टि कर दिया, कल भेद हर चरित सुहाए, भांति अनेक मुनीषन गाए गाए, नाना भांति राम अवतारा। अब कहीं हल के फल से सीता की उत्पत्ति हो रही है तो कहीं अग्नि कुंड से माता सीता की उत्पत्ति हो रही है। राखी जी जैसे एक त्रेता में जो जय विजय थे, जो हिरण्याकश्यप में वो रावण कुंभकर्ण हुए, एक त्रेता में जलंधर रावण हुआ, एक त्रेता में श्रृंगी भृंगी जो शिव के गण थे वो रावण कुंभकर्ण हुए, और एक त्रेता में भानु प्रताप रावण हुए। अब आप बताइए आप कौन सा रावण मानती हैं? जैसे चार युग में चार रावण बना सकते हैं, तो माता सीता के जन्म की कथा भी कई प्रकार की है। राखी जी आपको नहीं मालूम है तो पढ़िए, पढ़िए, किताब मंगाइए, पढ़ी लिखी आप तो ही है, पढ़ा लिखा करिए किताब। बिल्कुल, कलयुग के बाद सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर कलयुग। हर युग में अलग अलग रावण है, अलग अलग कथाएं हैं, और लिखा है हरि अनंत हरि कथा कथा अनंता, कहानी सुने बहुविध सब संता। करें बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो ज्ञानियों के चरणों की धूल भी नहीं हूँ, मैं अपने आप को कीर्तनकार भी नहीं मानता, मैं कोई गायक भी नहीं मानता, ये तो आज के अंदर घमंड सवार है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। और क्या, ना मैं कोई ज्ञानी हूँ ना कोई वक्ता हूँ। और क्या, हेलो, सवाल जवाब आपने सुना है। ये रात है आधी आधी, जो जवाब आपने दिया है सबको बड़ा अच्छा लगा, हमें भी बड़ा अच्छा लगा, कुछ कहना नहीं है जब आपके बारे में। ये रात है आधी आधी, हाँ भैया भैया बैठे रहिए एक मिनट। हाँ मोगेम्बो खुश हुआ, हाँ मोगेम्बो जी जी गा देंगे भाई, भैया गा देंगे अभी। सुनिएगा सुनिएगा, गीत आया है अनहा। दुख तो एक ठंडी छाव है, सुख है एक ठंडी, सुख है एक छाव ढलती, जो आती है जाती है दुख तो अपना साथी है, और राही मनवा दुख की चिंता तो सताती है, दुख तो अपना साथी 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 है। कटपी साहब का बहुत अच्छा, राखी जी जो अच्छा है उसे हम कह देते हैं अच्छा है। और क्या, बढ़िया आपका गणगीत है, लगे रहो अपना भाई, जवाब अगर अच्छा लग जाए, वैसे प्रतिद्वंदी कभी जवाब स्वीकार नहीं करता। और क्या, सुनेगा
अब जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, आपने कहा कि अंधों के अंधे होते हैं, लेकिन जब धृतराष्ट्र के सारे 100 पुत्र मारे गए, जब कुल में कोई नहीं बचा, तो देखिए वहां के वासी कह रहे हैं कि ये तमाम लोग समझाते रहे धृतराष्ट्र को, लेकिन इसने अपने दुर्योधन पुत्र को कभी समझाया नहीं, कभी समझाया नहीं। जो दुर्योधन कहता रहा उसके में हाँ मिलाते रहे। तो कानों का कच्चा था ये, बात नहीं मान रहा था। हाँ। तो कहना पड़ा, वहां के वासियों ने कहा, प्रजा ने कहा, राजे जी, अरे सुनकर भी सुनते ना जो ये, अरे सुनकर ना सुनते जो मन के गंदे होते हैं। और कुछ लोग देखते हुए भी अंधे होते हैं। हाँ। लोग आंख के अंधे होते हैं, कुछ लोग मन के भी अंधे होते हैं। कम से कम अगर आंख से ना देखें तो कम से कम लोग कान से सुनते तो हैं, लेकिन ये आंख से तो अंधे थे। अरे सुनकर ना सुनते जो मन के गंदे होते हैं, कुछ मन के अंधे होते हैं। कुछ देखते हैं।